क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम संगम सिंह यादव। संगम सिंह यादव, कितने साल के बेटा आप? मैं 13 साल। 13 साल के, क्या डाल रहे हो आप मछलियों को? दाना डाल रहे हो। इस दाना डालने से क्या होगा? दाना डालने से जो हमारे ग्रह होते हैं, जो हमारे ग्रह बुरे चल रहे होते हैं जी, वो कट जाते हैं। अच्छा, मछली को दाना डालने जो पाप किए हैं वो कट जाते हैं। जी बेटा, आप पढ़ते कितने में हो? हम प्रथम खंड कक्षा 6। आप ग्रुप में पढ़ते हो? जी। अच्छा, तो गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो ये बताइए मुझे, राम जी के पिताजी का नाम क्या है? राम जी के पिता का नाम दशरथ। अच्छा, हमारे धर्म का नाम क्या है? हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म। सनातन धर्म, और सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म का मतलब है कि जो सदा रहने वाला है, जिसका कभी अंत ना हो। अरे हो, क्या बात है बेटा। ये जो तुमने माला पहन रखी, कौन कौन सी माला पहन रखी है आपने? ये तुलसी माला है, ये वैजयंती माला है। तो बेटा, आपके माता पिता? माता नहीं है लेकिन पिता। पिता है। माता कब चले गई आपकी छोड़ करके? माता जब हम 5 साल के थे। 5 साल के थे तब आपको माता जी छोड़ के चले गई। तो अच्छा, आपको ये बताइए, श्रीमद् भागवत गीता याद है? हाँ याद है। अच्छा, कोई एक मंत्र सुना दीजिए, एक श्लोक सुना दीजिए। सॉरी। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हेतवे तापत्रे विनाशाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बताइए, संसार में सबसे बड़ा कौन है? संसार में सबसे बड़ा माता पिता। अरे वाह, कितना सुंदर जवाब, बहुत सुंदर जवाब आपका। सॉरी चंद महाराज जी, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् गीता में अंतर मालूम है आपको? जी बताएंगे। श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान के चरित्र है, जिसमें भगवान जिसमें अपनी लीलाएं दिखाते हैं, और जो श्रीमद् गीता है वो भगवान जिसमें अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, कर्म कर, जो कर्तव्य कर्म है उसे कर, योजित कर्म कर। वाह वाह, अच्छा। ये देखिए दोस्तों, हमें एक छोटा सा बालक है जो शास्त्री कर रहा है, कोई इनको चारा बनाता है गंगा नदी में, कोई मछलियों चारा बनाता है मछलियों को, और कोई इनको चारा देता है। यही सनातन धर्म की संस्कृति है। देखिए बेटा, ये बताइए, आप कितने साल के हो गए अब? हम 13 साल। 13 साल के, तो आप करना क्या चाहते हैं? अब हम शास्त्री बनना चाहते हैं। शास्त्री बनना चाहते हैं। अच्छा, आप शास्त्री क्यों बनना चाहते हैं? कथा वगैरह क्यों कहना चाहते हैं आप? क्योंकि भगवान का चरित्र ऐसा है कि उसमें हो जाना बहुत अच्छा रहता है। अरे कल्याण हो जाता है। अच्छा, आपको इतने छोटे हो, आपको ज्ञान बढ़ा है। आप कब से गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हो? हमको 6-7 महीने हो गए। अरे 6-7 महीने में इतना ज्ञान? अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए, अपना जो हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की जो वेशभूषा होती है, इस बच्चे ने पूरी पहनी हुई है। क्यों? बिल्कुल सनातन धर्म का। आप देख सकते हैं, ऊपर भगवा है, नीचे आप देखिए, और सखा रखी हुई है, और गले में माला है। अच्छा, जनेऊ भी है क्या? नहीं, जनेऊ है। अरे वाह, क्योंकि ये जनेऊ जो है काफी विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि जानते ही नहीं होंगे बहुत से लोग तो जनेऊ क्या होता है। अच्छा, जनेऊ क्यों धारण किया जाता है? जनेऊ इसलिए धारण किया जाता है कि जैसे हमारी कोई अकाल मृत्यु हो जाए या कैसे भी मृत्यु हो जाए, तो उसमें हम लोगों को संस्कार मिल जाएंगे और हमको नरक को नहीं जाना। अरे वाह, अरे वाह, मैं तो धन्य हो गया वास्तव में। इतना वास्तव में छोटी सी उम्र में इतना गया। यही पहचान। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, जो छोटी छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनको गुरुकुलों में डाला जाए, संस्कार पाए जाए।